बीते कुछ सालों से पुलिस परिवार का जो है आंदोलन लगातार जारी है। एक माह पहले भी पुलिस परिवार के लोगों ने पुलिस मुख्यालय घेराव करने के लिए निकले थे। हालांकि पुलिस की सूझबूझ की वजह से घेराव करने में वो असफल रहे। इसके बाद अभनपुर पे जो है पुलिस परिवार के लोग देर रात तक डटे रहते हैं। हालांकि इस बीच सरकार की ओर से जब एक टीम गठित की गई, जाँच कमेटी बनाई गई रिपोर्ट को लेकर के, उसके बाद जो है मामला किसी तरह से थम गया। लेकिन कल जिस तरह से जो पुलिस परिवार के लोग एक बार फिर से सड़कों पे आ गए थे, उस दौरान कई झूमा झटकी हुई, इवन पुलिस महिला अफसर के साथ मारपीट की भी खबर जो है वो सामने आई। इस वक्त हमारे साथ आईपीएस रत्ना मैडम हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम, ये जो कल जो आंदोलन था, क्या मांगे क्या थी इनकी? जी, इनकी मांगे थी कि इनकी सैलरी इम्प्रूव होनी चाहिए और भी ये बहुत सारे इंसेंटिव्स की मांग कर रहे थे, तो उसी चीज़ को लेके ये प्रोटेस्ट करने आए थे। ऑल दो ये चीज़ उनको कम्युनिकेट किया गया था, बताया गया था कि इस तरीके के धरना प्रदर्शन कोविड टाइम्स में अलाउड नहीं है, साफ आदेश निकला हुआ है, केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट किया गया था। कल जो है एक मारपीट हुई है महिला अफसर के साथ, आपके साथ भी दुर्व्यवहार की ऐसी कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ है? देखिए, वो लोग हाईवे जाम कर रहे थे, तो ये चीज़ तो अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि उसी हाईवे पर एम्बुलेंस चल रही हैं, सारी असेंशियल चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ तो अलाउ नहीं करी जा सकती। उसी को रोकने के लिए हम उनको हटा रहे थे, उसी के बीच में इस तरीके की झूमा झटकी हुई और दुर्व्यवहार भी देखने को मिला। लेकिन मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि सभी लोगों ने बहुत ही पेशेंस दिखाया उसमें, किसी ने रिएक्ट नहीं किया, किसी ने दोबारा से पलटवार नहीं किया। ऑल्दो ट्रेनिंग सबकी अच्छी है, लेकिन सब ने इतनी सूझबूझ दिखाई कि ये उस तरीके का सिचुएशन नहीं है। महिलाएँ हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, चाहे उनका कितना भी गलत एक्शन हो, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू लॉ ही काम करेंगे। जिस महिला अफसर के साथ मारपीट हुई, उसके बाद पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम सब पे ओवरऑल कार्रवाई ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करके कि ये चीज़ जिसका एक्शन गलत था उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करी जाएगी। अभी तक हो गया गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कुछ तैयारी है गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, इसमें बिल्कुल से कार्रवाई तो करी जाएगी क्योंकि इस तरीके के एक्शंस को कंडेम बिल्कुल किया जाना चाहिए, तो डीडी नगर पुलिस टोटल एक्शन में है, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो ये थी हमारे साथ आईपीएस रत्ना सिंह मैम, जिनका साफ तौर पे ये कहना है, जिन्होंने भी कल जो घटना हुई है, खासकर जो मारपीट के मामले हैं उस पर जो है पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है, उसके बाद जो है गिरफ्तारी की जाएगी। राजेश साहब, ईटीवी भारत, रायपुर।